दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। चुनाव को देखते हुए दिल्ली में सीएए का मुद्दा भी जोर शोर से उछाला जा रहा है। ऐसा ही नजारा लक्ष्मीनगर में चुनाव रैली के दौरान हुआ। भाजपा पार्षद हिमांशी का आरोप है कि वह अपने प्रत्याशी अभय वर्मा और कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर लोगों से मुलाकात कर वोट की अपील कर रहे थे। तभी कुछ युवक आए और गो बैक का नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और कार्रवाई की मांग की। अभी हम लोग रमेश पार्क में घर घर जाके अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे थे। उसी दौरान कुछ युवा लड़के इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके हमारे नारे के खिलाफ उन्होंने मुर्दाबाद के नारे हमारे लगाने शुरू कर दिए। आप कौन सा नारा लगा रहे हैं? हम लोग भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अच्छा। जीतेगा भाई जीतेगा, भाजपा ही जीतेगा। अच्छा, उन लोगों ने क्या नारे लगाए थे? उन्होंने भाजपा मुर्दाबाद, गो बैक, मतलब माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, गाली देना शुरू कर दिए। उसके बाद हमारे एक दो लोगों को उन्होंने धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद एक लड़का था उसको एक दो थप्पड़ मार दिया, एक महिला को धक्का मार दिया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वो होने लगा। उसी बीच में जब मैं पीछे पीछे आ रहा था तो धक्के मुक्की में मुझे भी धक्का लगा, मेरा पैर नाली में चला गया। तो उसको लेके मैंने थाने में पहले तो 100 नंबर कॉल किया हूँ, क्योंकि ये आपस का एक सौहार्द बिगाड़ने का काम वहाँ प्रयास हुआ और मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है। और इसी को निमित्त अभी हमने थाने में कंप्लेन भी दिया है और एसएचओ को भी बताया है।